देखो लोग। तो आज हम यहाँ पंचायत में इस गांव में हुई एक दुर्घटना पर बात करेंगे, जो भी सबूत मिलेगा उसके हिसाब से डिसाइड करेंगे कौन गलत है और कौन सही। सरपंच जी, मेरे पास इस बात का पक्का सबूत है कि आलिया जी ने हमारी माई को अपनी गाड़ी से टक्कर मारी, उन्हें हुआ मरने की हालत में छोड़कर चली गई, और ये रहा उसका सबूत। ये देखिए ये कपड़ा हमें इनकी गाड़ी में फंसा हुआ मिला, और ये सारी हमारी माई की है जो इस कपड़े से हूबहू मिल रही है, जो हमारी माई ने दुर्घटना वाले दिन पहनी हुई थी, और गांव वाले गवाह इस बात के कि उन्होंने इनको देखा था उस दिन अपनी गाड़ी से आते हुए हमारे गांव में। बताओ आलिया जी, आई थी ना आप उस दिन हमारे गांव? बोलिए आप आई थी ना उस दिन हमारे गांव में अपनी गाड़ी के साथ? बताइए। हाँ आई थी उस दिन आई थी मैं खपुरिया गांव में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एक्सीडेंट मैंने ही किया था। हमारी माई की साड़ी से मिलता जुलता कपड़ा मेरी गाड़ी में फंसा हुआ मिल गया, इसका मतलब ये नहीं है कि एक्सीडेंट मैंने ही किया था। ऐसे कपड़े तो बहुत सारे हो सकते हैं। आप लोगों को मेरा यकीन नहीं है तो मैं दिखाती हूँ आपको कपड़े। ताई जी वो पैकेट दीजिए, ये देखिए हूबहू बिल्कुल वैसा कपड़ा। सारे दिखाओ, ये देखिए बिल्कुल हूबहू एक जैसा कपड़ा दिख रहा है। देखिए ये, और देखिए ये देखिए आप ही देखिए। तो इसका मतलब ये है कि जरूरी नहीं है कि ये तुम्हारी माई के साड़ी का ही कपड़ा था, मैंने एक्सीडेंट नहीं किया है। ये देखिए आप लोग, ये देखिए उस दिन मैं अपने घर की सफाई के लिए और गाड़ी की सफाई के लिए कुछ कपड़े लेकर आई थी, तो हो सकता है कि गाड़ी की सफाई के समय कोई कपड़ा फंसा हुआ रह गया होगा। क्रैक, शौक है ना, इसने बात पलट दी, देखोगे ना, कंटिन्यू बोला। लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम ये सब क्यों कर रही हो, क्योंकि बनारस में मैंने तुम्हारी चोरी पकड़ ली थी, इसलिए तुम उस चीज का बदला लेना चाह रही हो ना मुझसे। ए लड़की, संभाल से बात कर। आप क्या कर रही है? हमारी बिटिया पर चोरी का इल्जाम लगा रही है। आकाश जमीन पर आ सकता है पर हमारी गहना चोरी नहीं कर सकती। आपकी बेटी ने ही चोरी की थी, आपकी इसी बेटी पे मैं सही इल्जाम लगा रही हूँ। इतना गिर सकती हो तुम? भगवान के गहने चुराए थे आपकी बेटी ने। हमने कोई चोरी नहीं की है, ये झूठा इल्जाम लगा रही हम पर। हाँ, अब तो तुम बोलोगे। ये तुम्हारा गाँव है इसलिए तुम यहाँ पर मुझे फंसाना चाह रही हो ना, उसी वक्त तुम्हें कड़ी सजा देनी चाहिए थी, भूल गई? ट्रैक देखो, आगे देखो, गहना को गुस्से में, गहना देखो, पारस को देखो। सरपंच जी बोलिए। सही बात है, गहना की माई के साथ जो हुआ उस पर बात कर रहे हैं। तुम बस वहीं तक बात करो शहरी लड़की,